वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिकरेंस रिलेशन बिटवीन लेग्यूरीज पॉलीनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला रिकरेंस रिलेशन जो आपको प्रूव करना है क्या दिया हुआ है, n प्लस वन टाइम्स ऑफ एल एन प्लस वन दिस इज इक्वल टू टू एन प्लस वन माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एल एन एक्स माइनस में एन टाइम्स ऑफ एल एन माइनस वन, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन हमें पता है कि मतलब हम उसी रिलेशन का यूज करके बार बार हम बाकी और टर्म्स निकाल सकते हैं, मतलब उसी की टर्म्स एक टर्म का यूज करके आप उसके फर्दर और टर्म्स जनरेट कर सकते हो। सो दिस इज द रिकरेंस रिलेशन जो कि हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इस रिकरेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प लेंगे और लेग्यूरी पॉलीनोमियल वो लेंगे जहां आपने सी नोड को वन माना था। तो जैसे ही हमने सी नोड को वन माना था तो उसके लिए जनरेटिंग फंक्शन हमें पता है दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी एक्स ओवर में वन माइनस में टी डिवाइडेड बाय कितना होता है वन माइनस में टी, दिस इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स इंटू में टी की पावर एन होता है। ठीक है, अब आपको प्रूव करने के लिए बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी तो और उसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा वन बाय में वन माइनस में टी का स्क्वायर इंटू में ई की पावर माइनस में टी एक्स बाय में वन माइनस में टी माइनस में एक्स बाय में वन माइनस में टी का क्यूब इंटू में ई रेज टू द पावर माइनस में टी एक्स बाय में वन माइनस में टी, दिस इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन टाइम्स ऑफ एल एन एक्स इंटू में टी की पावर एन माइनस वन बन जाएगा। अब आपको फर्दर ई की माइनस टी एक्स बाय में वन माइनस टी की जगह क्या यूज करना है, समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स टी की पावर एन। तो जैसे ही हम इसको यूज करेंगे ये बन जाएगा वन बाय में वन माइनस टी इंटू समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स टी की पावर एन माइनस में क्या बन जाएगा एक्स बाय में वन माइनस में टी का स्क्वायर इंटू में समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स इंटू में टी की पावर एन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन एल एन एक्स इंटू में टी की पावर एन माइनस वन आ जाएगी। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लोगे एलसीएम आ जाएगा वन माइनस में टी का होल स्केयर, आप वन माइनस टी के होल स्केयर को दूसरी साइड ले जाओगे तो ये बन जाएगा वन माइनस में टी टाइम्स ऑफ वन माइनस टी टाइम्स ऑफ समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स टी की पावर एन माइनस में एक्स समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स टी की पावर एन, दिस इज इक्वल टू वन माइनस टी का होल स्केयर इधर आ जाएगा और उसकी वैल्यू होती है वन प्लस में वन माइनस में टू टी प्लस में कितना होता है टी स्केयर इंटू में कितना था समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन एल एन एक्स इंटू में टी की पावर एन माइनस में वन, देन आप टी को अंदर सप्लाई कर दो ये बन जाएगा समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स इंटू में टी की पावर एन माइनस में समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स टी की पावर कितनी हो जाएगी एन प्लस वन हो जाएगी माइनस में ये हो जाएगा एक्स समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स टी की पावर एन, दिस इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन टाइम्स ऑफ एल एन एक्स टी की पावर एन माइनस वन माइनस में ये हो जाएगा टू टाइम्स माइनस में टू टाइम्स समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन एल एन एक्स इंटू में टी की पावर कितनी हो जाएगी एन हो जाएगी प्लस हो जाएगा समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन एल एन एक्स इंटू में टी की पावर कितना हो जाएगा एन प्लस वन। अब आपको क्या करना है कोफिशियंट कंपेयर करने हैं टी की पावर एन के लिए, लेकिन उससे पहले आपको जो पावर्स ये दी हुई हैं टी की पावर एन प्लस वन हो या एन माइनस वन उसके लिए आपको क्या करना है इंडेक्सिंग शिफ्ट करनी है, यानी यहाँ आप एन की जगह एन माइनस वन रख दोगे और यहाँ आप एन की जगह एन प्लस वन रख दोगे यहाँ आप एन की जगह एन माइनस वन रख दोगे तो ये बन जाएगा समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स टी की पावर एन। ठीक है, जैसे आप n को n माइनस वन रखोगे तो जो है n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी वन से इन्फिनिटी n की जगह n माइनस वन रखा है और ये हो जाएगा t की पावर n माइनस में हो गया x n फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स टी की पावर n। इसमें आपको क्या करना है n की जगह n प्लस वन रखना है तो n की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी माइनस वन से n की वैल्यू होगी n प्लस वन एल एन प्लस वन और ये हो गया t की पावर n माइनस में हो गया टू टाइम्स ऑफ समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन एल एन एक्स
टी की पावर एन, प्लस में हो गया, ये हो गया एन की वैल्यू, एन की जगह एन माइनस वन रखना है तो यानी एन की वैल्यू वन से इन्फिनिटी होगी और एन माइनस वन हो गया, एल एन माइनस वन हो गया है और ये हो गया टी की पावर एन। अब आपको बोथ साइड टी की पावर एन के कोफिशियंट कंपेयर करने हैं, तो जैसे ही आप इसको कंपेयर करोगे ये हो गया एल एन एक्स ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस में एल एन माइनस वन एक्स ठीक। नेक्स्ट हो गया माइनस में एक्स टाइम ऑफ एल एन एक्स, दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन टाइम्स ऑफ एन एल एन प्लस वन एक्स, माइनस में टू एन टाइम्स ऑफ एल एन एक्स, देन आपका लास्ट हो गया एन माइनस वन टाइम्स ऑफ एल एन माइनस वन ठीक है। अब आप क्या करो, एन प्लस वन की जो है, जो एन प्लस वन की टर्म है वो आप राइट साइड में ही रखो, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन एल एन प्लस वन, बाकी सभी को आप क्या करो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, तो एल एन के कोफिशियंट कलेक्ट करो, एल एन का कोफिशियंट कितना हो गया यहां पर हो गया वन, एल एन का कोफिशियंट ये हो गया माइनस में एक्स हो गया और ये वाला इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस प्लस टू एन और ये हो जाएगा इंटू में एल एन एक्स ठीक है। अब आपको एल एन माइनस वन के कोफिशियंट कंपेयर करने हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया हो गया प्लस वन, ये माइनस है माइनस कॉमन ले लिया ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी एन माइनस वन एल एन माइनस वन एक्स, तो ये हो गया है दिस इज टू एन माइनस एक्स प्लस वन इंटू में एल एन एक्स माइनस एन टाइम्स ऑफ एल एन माइनस वन एक्स, दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन टाइम्स ऑफ एल एन प्लस वन एक्स, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये था पहला रिकरेंस रिलेशन। नाउ द नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन, अब जो नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन है, तो नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन क्या कह रहे हैं कि एक्स टाइम ऑफ एल एन डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एल एन एक्स माइनस एन टाइम्स ऑफ एल एन माइनस वन एक्स ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इस बार आपको क्या करना है, एल एन डैश है यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूज करना है आपको ठीक है। अगेन आपको जनरेटिंग फंक्शन का यूज करना है, तो जनरेटिंग फंक्शन हमें पता है n फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी और ये होता था एल एन एक्स टी की पावर n, दिस इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी एक्स बाय में वन माइनस टी डिवाइडेड बाय वन माइनस टी ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे ही आप इसको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे, ये वाला तो हो जाएगा समेशन n फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन डैश x और t की पावर n एज इट इज, और जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करने पर आपको मिलेगा वन अपॉन में वन माइनस में टी ई रेस टू दी पावर माइनस में टी एक्स बाय में वन माइनस में टी और ये हो जाएगा माइनस में टी बाय में वन माइनस में टी। अगेन आपको इसका फिर से यूज करना है, तो ये वाली जो टर्म है ये बन जाएगी समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स टी की पावर एन और इंटू में ये आ जाएगा माइनस का टी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा वन माइनस में टी और ये हो गया समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन डैश एक्स और टी की पावर कितना हो गया है एन हो गया है। अगेन आप वन माइनस टी को दूसरी साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा वन माइनस में टी टाइम्स ऑफ समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन डैश एक्स इंटू टी की पावर एन, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में टी टाइम्स, आप टी को अंदर सप्लाई कर दो ये बन जाएगा समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स और टी की पावर कितनी हो जाएगी एन प्लस वन हो जाएगी ठीक है। अगेन आप टी को अंदर सप्लाई कर दो ये हो जाएगा समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन डैश एक्स टी की पावर एन माइनस एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन डैश एक्स इंटू टी की पावर एन प्लस वन, दिस इज इक्वल टू माइनस एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स और टी की पावर कितना हो जाएगा एन प्लस वन। फिर से आपको टी की पावर एन के कोफिशियंट कंपेयर करने हैं, इसके लिए आप क्या करोगे फिर से इंडेक्सिंग शिफ्ट करोगे, तो ये हो जाएगा समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी
एल एन डैश एक्स इंटू टी की पावर एन। यहाँ पेन को एन माइनस वन से रिप्लेस करोगे तो एन की वैल्यू हो जाएगी वन से स्टार्ट, वन से इन्फिनिटी। एन की जगह आपने एन माइनस वन रखा है तो ये हो जाएगा एल एन माइनस वन डैश, और टी की पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ आप एन की जगह एन माइनस वन रखोगे तो ये हो जाएगा समेशन एन फ्रॉम वन से इन्फिनिटी एल एन माइनस वन एक्स इंटू में ये कितना हो गया टी की पावर एन। अगेन आप क्या करो, बोथ साइड कंपेयर कर दो टी की पावर एन के कोफिशियंट। तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे हो जाएगा एल एन डैश एक्स माइनस में एल एन माइनस वन डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का एल एन माइनस वन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई एल एन माइनस वन डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू एल एन डैश एक्स प्लस एल एन माइनस वन एक्स। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन वन नाम दे दिया। अब हमने फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन था वो प्रूव किया था। फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन जो कि हमने प्रूव किया था, दिस इज एन प्लस वन टाइम्स ऑफ एल एन प्लस वन एक्स, दिस इज इक्वल टू टू एन प्लस वन माइनस एक्स इंटू में एल एन एक्स माइनस एन टाइम्स ऑफ एल एन माइनस वन एक्स। ठीक है, अब आप क्या करो, बोथ साइड डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा एन प्लस वन एल एन प्लस वन डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा टू एन प्लस वन माइनस एक्स एज इट इज एल एन डैश एक्स माइनस में एल एन एक्स माइनस में एन टाइम्स ऑफ एल एन माइनस वन डैश एक्स। ठीक है, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर टू हो गई है। तो ये हो गई है इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन वन वापस देखो, इक्वेशन वन जैसे इक्वेशन वन के, अब इक्वेशन वन वापस देखो, यहां पर देखो आप क्या कर दो, n को जो है n प्लस वन से रिप्लेस कर दो। जैसे ही आप n को n प्लस वन से रिप्लेस करोगे ये इक्वेशन बन जाएगी एल एन डैश एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू n को n प्लस वन से रिप्लेस करोगे एल एन प्लस वन डैश एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एल एन एक्स। ठीक है, अब आप यहां से एल एन प्लस वन डैश की जो है वैल्यू निकाल सकते हो, या एल एन प्लस वन डैश की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा एल एन डैश एक्स माइनस में एल एन एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब एल एन प्लस वन डैश की जो वैल्यू आई है इसे आप टू में यूज कर सकते हो। तो जैसे आप इसको टू में यूज करोगे हो जाएगा एन प्लस वन टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा एल एन डैश एक्स माइनस में एल एन एक्स, दिस इज इक्वल टू टू एन प्लस वन माइनस एक्स एल एन डैश एक्स माइनस एल एन एक्स माइनस में एन टाइम्स ऑफ एल एन माइनस वन डैश एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है। तो जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे देखो ये क्या बनेगा। अब देखो आप एल एन डैश के कोफिशियंट कलेक्ट करो, सबसे पहले एल एन डैश के जैसे ही कोफिशियंट कलेक्ट करोगे ये हो जाएगा एन प्लस वन माइनस, ये हो जाएगा टू एन माइनस का वन प्लस में एक्स। ठीक है, इंटू में हो जाएगा ये एल एन डैश एक्स एल एन डैश एक्स। ठीक, और फिर आप क्या करो एल एन के कोफिशियंट कंपेयर कर लो, ये माइनस बाहर और ये हो जाएगा एन प्लस वन। ठीक है, और ये प्लस आएगा लेकिन माइनस बाहर निकाल रखिए तो ये हो जाएगा माइनस का वन एल एन एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस एन टाइम्स ऑफ एल एन माइनस वन डैश एक्स। ठीक है, अब आपको देखो रिकरेंस रिलेशन में एल एन माइनस वन डैश नहीं चाहिए, आपको एल एन माइनस वन चाहिए, तो हमें इक्वेशन वन का यूज करना पड़ेगा। तो इक्वेशन वन देखो क्या थी, इक्वेशन वन थी एल एन माइनस वन डैश एक्स, दिस इज एल एन डैश प्लस एल एन माइनस वन, तो ये थी एल एन डैश प्लस एल एन माइनस वन। ठीक है, और इंटू में कितना हो गया माइनस का एन टाइम्स है, दिस इज इक्वल टू आप एल एन डैश के कोफिशियंट जैसे ही कलेक्ट करोगे ये हो जाएगा माइनस का एन, वन से वन कट गया प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल एन डैश एक्स और माइनस का एन एल एन एक्स हो गया। अब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस एन एल एन डैश आ जाएगा जो कि कट जाएगा, और ये बन जाएगा एक्स टाइम ऑफ एल एन डैश एक्स।
दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का एन टाइम्स ऑफ एल एन माइनस वन एक्स, और इसको आप इधर ले आओ, ये हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ एल एन एक्स। तो ये था आपका सेकेंड रिकरेंस रिलेशन। नाउ द थर्ड रिकरेंस रिलेशन इज, थर्ड रिकरेंस रिलेशन में क्या करना है हमें, प्रूव करने की एल एन डैश एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस समेशन आर फ्रॉम जीरो से एन माइनस वन एल आर एक्स, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अभी हमने निकाला था कि एल एन एक्स जो है इंटू टी की पावर एन, जो जनरेटिंग फंक्शन है एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस टी एक्स बाय में वन माइनस टी डिवाइडेड बाय वन माइनस टी। ठीक है, जैसे ही हमने इसका डेरिवेटिव किया था विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आप लोगों को याद हो इसका आंसर आ गया था एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन डैश एक्स, और ये हो गया है टी की पावर एन, ये बन गया था माइनस टी बाय में वन माइनस टी, और समेशन हो गया था आपका आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल आर एक्स और टी की पावर आर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस में टी, ये एज इट इज आपको वन माइनस में वन बाय में वन माइनस टी को लिख सकते हो, वन माइनस में टी की पावर माइनस में वन, और समेशन आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल आर एक्स और टी की पावर कितना हो गया है आर। अब आपको वन माइनस में टी की पावर माइनस वन का बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल देना है, तो ये बन जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर प्लस में टी क्यूब एंड सो ऑन। इसे हम लिख सकते हैं समेशन एस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी टी की पावर एस, तो ये बन जाएगा माइनस में, ये देखो टी को अंदर ले जाओ तो टी की पावर हो जाएगी आर प्लस वन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस में सबसे पहले हो जाएगा समेशन एस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी टी की पावर आर एस, आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल आर एक्स और टी की पावर होगी है आर प्लस वन। ठीक है, टी की पावर एस आप अंदर सप्लाई कर दो, तो एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन डैश एक्स टी की पावर एन दिस इज इक्वल टू माइनस समेशन एस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी समेशन आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल आर एक्स और टी की पावर आर प्लस एस प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, इन पर्टिकुलर अगर हम आर प्लस एस प्लस वन को एन लें, ठीक है, तो देखो एस की मिनिमम वैल्यू कितनी है जीरो, यानी एस जो है वो है नॉन नेगेटिव, तो एस की वैल्यू कितनी है एन माइनस आर माइनस वन। ठीक है, एस नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब एन माइनस आर माइनस वन नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब जो आर है दिस इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन आएगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, जो ग्रेटर देन इक्वल टू एन जो है उसका केस हमें लेना ही नहीं है। तो जो ये सम है, तो ये जो सम है ये बन जाएगा माइनस में समेशन, और ये हो जाएगा समेशन आर फ्रॉम जीरो से लेकर के एन माइनस वन हो जाएगा एल आर एक्स हो जाएगा और टी की पावर एन आ जाएगा, और ये एस के समेशन करो या फिर आप, क्योंकि एस को हमने इन टर्म्स ऑफ एन कन्वर्ट कर दिया है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी जीरो से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल एन डैश एक्स और टी की पावर एन। अगेन आप बोथ साइड टी की पावर एन के कोफिशियंट कंपेयर कर दो, तो ये आ जाएगा समेशन, और तो ये आ जाएगा एल एन डैश एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस समेशन, दिस इज इक्वल टू माइनस समेशन आर फ्रॉम जीरो से एन माइनस वन और एल आर एक्स। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड रिकरेंस रिलेशन। लेकिन ये जो रिकरेंस रिलेशन थे वो लेग्यूरी पॉलीनोमियल वो ली थी हमने, जहां सीनोड जो है वो क्या था, वन था। इसी तरीके से सेम पैटर्न से जब आप प्रूव करोगे दूसरी लेग्यूरीज पॉलीनोमियल के लिए, दैट इज जब आप सीनोड को एन फैक्टोरियल लोगे, तो जो इसका पहला रिकरेंस रिलेशन है वो तो आ जाएगा एल एन प्लस वन एक्स प्लस एक्स माइनस में टू एन माइनस वन एल एन एक्स, और प्लस में हो जाएगा एन स्क्वेयर एल एन माइनस वन एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो। तरीका सेम रहेगा, बट आपको इसका मतलब जस्ट जनरेटिंग फंक्शन पता होना चाहिए, तो हमें ये पता है दिस इज इक्वल टू ई की माइनस टी एक्स बाय में वन माइनस टी अपोन में वन माइनस टी दिस इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। जैसे ही हम एन फैक्टोरियल लेते हैं तो यहाँ हमें पता है कि बाय में एन फैक्टोरियल आ जाता है टी की पावर एन।
अगेन आपको क्या करने है, बोथ साइड डेरिवेटिव करने विद रिस्पेक्ट टू टी, देन आपको टी को अंदर सप्लाई कर देना है और इंडेक्सिंग शिफ्ट कर देनी है। इंडेक्सिंग शिफ्ट करने के बाद आपको टी की पावर एन के कोफिशियंट कंपेयर कर देने हैं। सेम प्रोसीजर है और सेम प्रोसीजर जैसे ही आप फॉलो करोगे आंसर जो है ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, सेम आपका सेकंड जो है सेकंड रिकरेंस रिलेशन, इसका आएगा एल एन डैश एक्स माइनस में एन टाइम्स ऑफ एल एन माइनस वन डैश एक्स प्लस में एन टाइम्स ऑफ एल एन माइनस वन एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। अगेन यहाँ पर इस बार क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके लिए तो आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और इसके लिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में सोल्व किया था। ठीक है, आप फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके एक अनदर रिकरेंस रिलेशन प्रूव कर सकते हो, एक्स टाइम ऑफ एल एन डैश एक्स प्लस वन माइनस में एक्स एल एन डैश एक्स प्लस एन टाइम्स ऑफ एल एन एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये रिकरेंस रिलेशन आप इजिली प्रूव कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जहां हमने रिकरेंस रिलेशन के बारे में डिस्कस किया। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर लेग्यूरीज पॉलीनोमियल। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।